जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और ये है आईफोन 12 मिनी एंड कुछ 4-5 दिनों से मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ। और स्पेशली ये वीडियो है ही आपके डिमांड पे, क्योंकि सबसे सस्ता आईफोन, सस्ता बाय द वे, सस्ता होते हुए, एक तो सस्ता नहीं बोलूंगा इसको, बाय द वे कम बजट में होते हुए भी, कम बजट भी नहीं बोल सकते, बाय द वे आईफोन 12 सीरीज का सबसे सस्ता फोन। यहाँ पर एप्पल ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। A14 चिपसेट, IP68, वायरलेस चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर एंड 1200 निट्स की एक फुल HD OLED डिस्प्ले। इसके बारे में आपको बताऊंगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी आईफोन सीरीज हमने कवर कर दिया, 12 रहने देते हैं, जीना मुझे कुछ दिन अभी क्योंकि ये सेम स्पेसिफिकेशन आपको आईफोन 12 में देखने को मिलते हैं, जो कि इससे 10,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपये महंगा है। बट वो इतना मिनी नहीं है, और ये एकदम मतलब छोटा बेबी बोलूँगा मैं इसको। 135 ग्राम का सिर्फ ये फ़ोन है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना लाइट वेट और कितना कंफर्टेबल होगा। मेरे हाथ में एकदम मतलब पैक हो जाता है ये फ़ोन। बट इसके ऊपर जो ये है ना कटआउट नॉच, बिग सा बड़ा सा जिसमें सारे सेंसर है जरूरी, ये थोड़ा इस पर बड़ा फील होगा। रीज़न ये है कि कटआउट का जो साइज़ है ना, वो जैसे आप देखो 12 प्रो मैक्स बड़ी डिस्प्ले में भी उतना ही बड़ा है, ये छोटी डिस्प्ले में भी इतना ही बड़ा है, तो थोड़ा सा शुरू में आपको ज़्यादा ही लगेगा। बट वो धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो सभी फ़ोन के साथ ऐसी होता है, फिर आदत पड़ जाती है। ओके, तो सवाल ये है कि कितना स्मॉल है। आप देखो ना इसका जो साइज़ है ना, इसके बॉक्स का साइज़, वो भी आईफोन 12 प्रो मैक्स से छोटा है। डबल हैंड से ज़्यादा ना सिंगल हैंड से इस पर टाइपिंग करने का एक अपना ही कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम कि हाँ ये फ़ोन हाथ से नहीं गिर सकता। लेकिन दो हाथ से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो शुरू में अगर आप एकदम से शिफ्ट हो रहे बड़ी डिस्प्ले से, डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट वही 4-5 दिन आप यूज़ करोगे, ऐसा नहीं कि टाइपिंग नहीं होती, वो आप कर सकते हो। तो ये आईफोन, ये मेरे हाथ, अब मुझे कैसा लगा, लाइक मेरे हाथ थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनली बाय करना होता तो पहले तो जैसे ही हाथ में आता ना एकदम मस्त क्यूट सा लगता है। लेकिन क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से जब मैंने इसको यूज़ किया, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ही टिनी लगता है, छोटा लगता है। या फिर ऐसे कह सकता हूँ पिक्सल 4 है, वो मेरे लिए एक परफेक्ट कंफर्टेबल और छोटा स्मार्टफोन है, जिस हिसाब से मेरे हाथ का साइज है या जो मेरा यूज़ है, जितना मैं कंफर्टेबल चाहता हूँ। तो ये उनके लिए जो एकदम से जिनके हाथ थोड़े से छोटे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो एकदम छोटा फ़ोन ढूंढ रहे हैं, या फिर घर में पेरेंट्स को देना जो लोग एकदम छोटा फ़ोन ढूंढ रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप की इसके लिए बनाया गया, मतलब यूज़र्स के लिए। और एक सच बात यह है कि सभी लोग ऐसे गेम खेलने के लिए फ़ोन नहीं लेते, ये डेफिनेटली गेम खेलने के लिए नहीं है। पावरफुल है, गेमिंग कैपेबल है, बट इसका जो डिस्प्ले है ना बहुत ज़्यादा ही स्मॉल फील होता है गेमिंग के टाइम स्पेशली। लेकिन मैंने 12 मिनी के साथ पता नहीं क्यों, लेकिन हीटिंग कंडीशन नोटिस किया, मैं ओवर हीट नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने ये गेम खेल के देखा, कॉल ऑफ ड्यूटी 2 मल्टीप्लेयर मैच खेला और 26 डिग्री टेम्परेचर था, ये 38 तक जा चुका था। और अभी आप जानते हो कि टेम्परेचर का क्या हाल है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फ़ोन इतना छोटा है, इसी छोटे से फ़ोन में सारे जो पावरफुल हार्डवेयर तो पूरा पावरफुल है ना, वो इसके अंदर डाल दिया, शायद हीट को रिलीज़ होने के लिए उतनी जगह नहीं मिल रही है, जो भी रीज़न हो सकता है। बट यस, ये मैंने नोटिस किया तो मैंने आपको बता दिया। और एक ऐसा पॉइंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद नहीं थी, जैसे हमारे एंड्रॉयड की दुनिया में क्या होता है, 20,000 का फ़ोन लिया ना, सेम ब्रांड सेम सेंसर के साथ अगर वो फ़ोन 23 का लॉन्च करता है ना, तो उसमें होगा क्या, उसमें ना कैमरा सेंसर सेम होगा बट दोनों का आउटपुट रिजल्ट सेम नहीं होता। इस पर मैंने ऑलमोस्ट डबल रेट का फ़र्क है 12 प्रो मैक्स और इसमें। इन फोटोज़ को आप देखो, मस्त खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा 12 प्रो मैक्स से है या फिर मिनी से है। मैंने तो शो कर रखा ना, अगर आपके सामने इन फोटोज़ को दे दिया जाए शायद आप नहीं बता पाओगे, डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो। ट्विटर पे मैंने फोटो शेयर किया था, वहाँ पर भी कोई सही आंसर नहीं दे पाया, सब मिक्स दे रहे थे, कोई किसी फोटो को बोल रहा था, कोई किसी फोटो को। और ये देख के मुझे सच में अंदर से खुशी हुई कि ब्रांड भेदभाव नहीं कर रहा है कि जिसका बजट कम है, जिसको छोटा फ़ोन चाहिए, भाई कैमरा आपको हम बढ़िया ही देंगे, टेंशन नहीं लेनी। क्या एकदम 100% सेम है, क्योंकि 12 प्रो मैक्स का जो सेंसर है वो थोड़े बड़े साइज़ का है, तो डिफरेंस ढूंढा जा सकता है। जैसे ये फोटो देखो आप, डायनेमिक रेंज वगैरह सब इक्वल लग रही है ना, लेकिन अगर आप जूम करके देखोगे 12 प्रो मैक्स ने ज़्यादा अच्छा थोड़ा लाइट कैप्चर किया है। इवन नाइट मोड में अगर आप डिटेल ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फील हो जाएगा। बट यस, टेलीफोटो लेंस नहीं है, अब दोनों फ़ोन में ये बड़ा फ़र्क है हार्डवेयर का, तो टेलीफोटो लेंस का फ़र्क आप देख सकते हो, बेटर बुके इफेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से पोर्ट्रेट फोटोज़ डेफिनेटली बेटर आती है 12 प्रो मैक्स से, लेकिन इसमें आपको थोड़ा आगे पीछे जाना होगा। मतलब इतना बड़ा रेट का जो गैप है ना, उतना बड़ा कैमरा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो नाइट मोड हो चाहे डे लाइट, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चीज़ एंड्रॉयड वालों को सीखना चाहिए कि देखो किस तरीके से प्राइस के साथ
डिस्प्ले साइज या फिर इसमें एलुमिनियम फ्रेम लगा देना, किसी में मैट फिनिश देना, आईफोन इस तरह से मैनेज करता है अपने आप को। लेकिन जो कैमरा है ना वो सबको एक अच्छा फील देता है, अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, जो लोग आईफोन को पसंद करते हैं। और एंड्रॉयड वालों को ये चीज़ सीखना चाहिए, लेकिन एंड्रॉयड वाले फिर भी नहीं सीखेंगे, मुझे पता है ना मैं खुद एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि कैमरे के लिए आप टेंशन मत लो, इनका वही चीज़ है, सब में एक जैसा रिजल्ट मिलता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। बाकी हाँ, सेल्फी के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा येलो येलो कर देता, पता नहीं क्यों मुझे आईफोन की सेल्फी पसंद ही नहीं आती। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट आई रियली मतलब डे लाइट में अच्छी फोटोज आ जाती है, बट आर्टिफिशियल लाइट में कहीं ऐसे स्किन का कलर मज़ेदार देता नहीं है ये। और लास्ट जो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया था, इसकी बैटरी का क्या हाल है भाई? बैटरी का हाल मैं आपको बता देता हूँ, छोटा फ़ोन, छोटी बैटरी, लाइट वेट इसीलिए बना है। 2227 mAh 12 प्रो मैक्स बैटरी का बीस्ट बोलूँगा मैं, मतलब काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है इसका। तो मैंने जो टेस्ट किया ना, मुझे पता है इस फ़ोन को लोग गेमिंग के लिए कम बाय करेंगे, तो विदाउट गेमिंग मैंने चेक करने की कोशिश की, तो यस इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो डेफिनेटली दो बार आप कंफर्म है चार्ज करोगे पूरा दिन निकालने के लिए। मतलब आप कुछ फ़ोन कॉल्स ले सकते हैं, नॉर्मल कुछ मैसेज, कुछ व्हाट्सएप, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने ट्विटर यूज़ किया है, स्पॉटिफाई, उसके बाद ये प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जिस तरह से मैं अपने डे टू डे लाइफ यूज़ करता हूँ, इन सब चीज़ों में ही ये नहीं निकाल पाता एक दिन। तो मुझे लगता है बड़ा नहीं बना सकते थे, बट थोड़ा सा हल्का सा अगर मोटा भी कर देते ना, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा देते तो शायद और बेहतर हो सकता था। वैसे मैं होता कौन हूँ एप्पल को सलाह देने वाला बट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत ही स्पेसिफिक यूजर्स के लिए अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा आईफोन 12 बाय करो आप, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। हालांकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया, बट मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी बैटरी बैकअप बेटर है ये मैंने सुना है। और प्रो प्रो मैक्स का तो ऑलरेडी मैं बात कर ही चुका हूँ। तो ये था भाई पूरा ऐसे मस्त आईफोन का अपने चैनल पे मैंने कवर कर दिया। आई होप आपके डिसीजन लेने में कुछ हेल्प करेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।